में शिअत की पोल खोल रैली के विरोध में पंथक संगठनों के सदस्यों ने जमकर बवाल काटा। सिख संगठनों के सदस्य कोट कपूरा रोड पर लगे पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर शहर में घुस गए। पुलिस के सामने नंगी तलवारें और तेजधार हथियार लहराते हुए रैली स्थल की तरफ जाने लगे। हालांकि कुछ दूरी पर थाना कोतवाली के पास पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के अन्य हिस्सों में भी हंगामा किया। जगह जगह लगे शिअत के होर्डिंग्स तोड़ डाले। शिअत वर्करों की गाड़ियों व बसों में भी तोड़फाड़ की। आप भी देखें यह किस तरह हुआ। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रकाश बादल इंसा वालों उन्दे एक नखरेबाज पुत्ता जिहड़ा निकम्मा सुखबीर उन्होंने इत्थे पोल खोल रैली नाम दिता उन्हूं रखी सी फरीदकोट दे विच जिहड़े कि कौम दे बहुत वड्डे दुखी आ। उन्होंने इसे जिले में गोलीकांड करवाया, डेरा प्रेमियों नाल रल के इसे जिले के बेअदबी करवाई। हुण इसे जिले च आके शहीदां दीआं मड़ियां फरोलना चाहुंदे आ। उहदे विरोध दे विच अज इत्थे फरीदकोट के संघ जिहड़े एकत्र हो चुके हैं उनकी रैली के विरोध में। इतने जिन्ना भी साडा वाह लगता है जबरदस्त विरोध करांगे, क्योंकि ये साडा मनुखी अधिकार आ, साडा फर्ज भी आ कि असीं ये कर सकते हैं। सो जिथों तक भी ये सुखबीर बादल आ ये पंजाब दे विच कंडे बीज रहा, उत्थ तक कौम जा जा के इहदे कंडे कटन लई तैयार होगी। हमारी जो रैली जबर विरोधी रैली फरीदकोट में हुई है, जो अमन शांति को समर्पित थी, भाईचारिक सांझ को समर्पित थी, इतिहास में आप सब ने भी देखा है, आप गवाही दे सकते हैं, सबसे बड़ी रैली शायद पंजाब के इतिहास में आज फरीदकोट में हुई है। और ये जो चंद लोग, मैं जैसे हर रोज़ कहता हूँ, जो पंजाब, जो हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं, पंजाब की अमन शांति और भाईचारक सांझ को भंग करना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, उन लोगों ने जो उनका मकसद था कि ये रैली ना की जाए, ना होने दी जाए, पर उनके बस में तो नहीं था, सरकार उनके साथ मिली हुई थी।